दोपहर प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। जोधपुर एयरफोर्स बेस की सीधी तस्वीरें आपके सामने, ये है लाइट कॉम्बैट भारत में निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भरते हुए और इसकी तकनीक को ना सिर्फ वो समझेंगे बल्कि बेहतर तरीके से जानेंगे भी। अगर लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात की जाए, 6 टन इसका वजन है और 16,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई में ये टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है और भारत का ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट की ऊंचाई में टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। सबसे खास बात ये कि जब 1999 का करगिल युद्ध हुआ था, तब ये भारत की सेना को इस हेलीकॉप्टर की ज़रूरत महसूस हुई थी और उसके बाद से ही इसे बनाने का काम चला। हालांकि उस दौरान अमेरिका से अपाचे की खरीद भी हुई, वो हेलीकॉप्टर्स भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई तक वो टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, उसके ऊपर नहीं लैंडिंग टेक ऑफ हो पाता है। What an incredible sense of pride, ladies and gentlemen, in this glorious spectacle of the light combat helicopter soaring the skies with the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji on board. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर एयरफोर्स बेस की, जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर भी उसी एयरफोर्स बेस में मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, ये बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक तस्वीरें भारत के लिहाज से, और साथ ही चेतावनी और संदेश पाकिस्तान और चीन को, जिसमें इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भर रहे हैं। और यही देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय ऊंची चोटियों पर पहुंचना बेहद मुश्किल था और उस समय जो कमी खली उसको करते करते आज वो दिन है जब भारतीय वायुसेना में 143 हेलीकॉप्टर यूनिट के तौर पर प्रचंड प्रहार के साथ ये भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब इंडक्ट हो चुके हैं। कुल मिला के 10 की संख्या में ये भारतीय वायुसेना के पास आएंगे, 4 आज मिले हैं। और इस समय ठीक अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ ने इसमें सॉटी की है, कुल मिलाकर 30 मिनट की सॉटी है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये बेहद खास है, उसकी वजह है कि चीन के जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, यानी 15,800 फीट की हाइट पर ये आसानी से उतर सकता है। ठीक सामने मेरे पीछे प्रचंड यूनिट का एक और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, Z-10, जो चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर है, वो 15,800 फीट की हाइट पर आ तो सकता है लेकिन अपने साथ जो पेलोड्स हैं, वेपन है, वो इतनी क्षमता के साथ नहीं ला सकता। लेकिन ऐसे में 5.8 टन का ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बेहद कारगर है। इसमें जो 20 mm की गन लगी है वो पूरी तरीके से हेलमेट प्रिसाइज सिस्टम के साथ लैस है। इसका मतलब जो पायलट है उसका जो हेलमेट जिस तरह मूव करेगा, अगर वो लेफ्ट मूव करता है, दुश्मन को देखता है, एनिमी को देखता है, तो उसी तरफ वो फायर करेगा। उसके अलावा 70 mm की रॉकेट्स हैं जो एक साथ कुल मिला के 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता रखता है और अलग अलग पॉड में मैक्सिमम 48 पॉड तक ये जा सकता है, यानी 48 रॉकेट एक साथ लेकर ही जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लगी है, मिस्ट्राल, हेलिना और आने वाले टाइम में ध्रुवास्त्र होगा। इस पूरी तरह से मेक इन इंडिया होने की वजह से हम आपको यह भी बता दें कि इसमें और भी वेपन सिस्टम इंटीग्रेट किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। जो इसके पायलट्स हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब फेस ऑफ हुआ था तो इन्हीं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इनको लद्दाख के 15,000 की फीट पर उतारा गया, 15,800 की हाइट पर उतारा गया, कुमार पोस्ट पर उतारा गया, फोबरांग पे, फुक्से पर, डीबीओ दौलत बे गोल्डी पर उतारा गया। और जब चीन ने अपने Z-10 हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको जैसे ही वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लाने की कोशिश की, उसी समय ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चीनी सीमा के बेहद करीब जाकर खड़े हो गए और इसका असर ये हुआ कि अपने साथ पूरे हथियार लेकर गए थे, मिसाइल्स लेकर गए थे और फिर उसके बाद चीन पीछे की तरफ हटा और यही वजह है कि उसने अपने जो फाइटर्स हैं उनको स्क्रैम्बल करने की कोशिश की। हम आपको यह भी बता दें कि पूरी तरह से इसकी टेस्टिंग हुई है, 15,800 फीट की हाइट पर ये टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, अटैक कर सकता है, दुश्मन को एंगेज कर सकता है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है, Mi-35 है। Mi-35 का रोल डेजर्ट के एरिया में है और वो वैली पे नहीं जा सकता और यही वजह है कि कारगिल युद्ध के दौरान भी Mi-35 इस रोल में नहीं आया था जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ अपाचे
अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि 10 टन का उसका वेट है, Mi-35 का 12 टन का वेट है। जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है वो हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकता है लेकिन वो लैंड नहीं कर सकता, और यही वजह है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये प्रचंड प्रहार के साथ जो इसकी कंप्रेस्ड मटेरियल है वो इसको बिल्कुल खास बनाता है 5.8 टन की वजह से। ठीक सामने जो आपको आगे सेंसर दिखाई दे रहे हैं वो ईओ सेंसर है। साधारण शब्दों में आप समझ लें तो 20 किलोमीटर तक ये आसानी से दुश्मन को देख सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और उसके बाद 8 किलोमीटर की दूरी या 10 किलोमीटर की मैक्सिमम दूरी तक स्टैंड ऑफ फायर के जरिए ये दुश्मन को एंगेज करने की काबिलियत है। प्रिसाइज वेपन है। बालाकोट में आपने स्पाइस 2000 को देखा प्रिसाइजली फायर करते हुए, तो ठीक उसी के तर्ज पर जो प्रिसाइज वेपन है वो इसमें लगे हुए हैं ताकि ये और लिथैलिटी प्रदान करे। आने वाले दिनों में 162 के लगभग अटैक हैप्टर्स भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। इस समय हम जोधपुर में हैं। जोधपुर को डेजर्ट वॉरियर्स की धरती कहा जाता है और यहां पर महज 200 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। और आप समझ लीजिए, चाहे आज का दिन हो, जब इरानियन एयरक्राफ्ट आया तो इसी एयरबेस से सबसे पहले Su-30s ने स्क्रैम्बल किया। अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी होगा तो इनका अटैक रोल बेहद क्लियर है और यही वजह है कि ये बेहद कारगर है और इनकी सक्षमता और बढ़ती है। अब पाकिस्तान, क्योंकि यहां से बेहद करीब है तो जिक्र करना जरूरी है, पाकिस्तान पे टर्की से मिला हुआ T-129 अटैक है, लेकिन ये इतना कारगर नहीं है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ये पूरी तरह से सक्षम हो। इसीलिए इस समय रक्षा मंत्री जिस प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में गए हैं वो पूरी तरह से सक्षम है, वेपनाइज है, और आने वाले दिनों में उसे और इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम लिथैलिटी की बात कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की, तो एक खासियत ये भी है कि ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के रडार में नहीं आ सकता है, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। कैसे ये बुलेट प्रूफ है उसके बारे में भी बताइए। और हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि इसका जो रडार सिग्नेचर है वो बेहद गर्म है, उसकी वजह है कि उसकी वजह ठीक सामने आप देखें ग्लास कॉकपिट है। ये जो पूरा कॉकपिट है वो ग्लास फॉर्म में है और इसी वजह से जो डिटेक्शन पावर है वो सबसे ज्यादा है। और जैसे ही अगर दुश्मन का रडार इसे कैप्चर करता है, दुश्मन का मिसाइल से शुरू करते हैं, अगर मिसाइल कैप्चर करता है तो इसके पास शाफ और साथ में जो फ्लेयर इफेक्ट है, यानी आप आसानी से शब्दों में समझें, जो ये अपनी पूरी चिंगारी और रोशनी फेंकता है जिसकी वजह से मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर पाता। उसके अलावा जो लेजर डेजिग्नेटेड इसके अंदर सिस्टम है, यानी अगर दुश्मन का मिसाइल आ रहा है तो ये अपने लेजर के जरिए उसे डिटेक्ट करेगा और उसे पूरी तरह से ध्वस्त करेगा। अब चूंकि इसका फ्रंटल एरिया आप देखें तो फ्रंटल एरिया बेहद छोटा है, कुल मिलाकर 24 से 25 इंच जो फ्रंटल एरिया है जिसके ऊपर ईओ सेंसर्स लगे हैं, यानी आप समझ लीजिए कि इतना, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर केवल इसी लेंथ में है, जिसकी वजह से रडार पे उसका सिग्नेचर बहुत ही कम है। हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।